हाँ जी, शुरू करते हैं। अभी आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगता है, ये इफ़ कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करना। इफ़ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करना, एंड और नॉट लगा के थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस बनाना। बेसिक सिंपल कंडीशंस तो इजीली बन जाती है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस बनाने की बात आती है तब स्टूडेंट्स होश पोश खो देते हैं, कैसे करें, उनको बहुत हार्ड लगता है। तो इस चैप्टर को थोड़ा ढंग से समझिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये वाला चैप्टर। देखिए, मेरे पास एक तो ये कंडीशन है, देखो ये छोटा सा प्रोग्राम, देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 1, 2, 3। आपको पता है, ठीक है, पीछे नहीं जाएंगे। अब मुझे क्या देखना है, मुझे ये पता लगाना है क्या ए की वैल्यू 1 है। अगर ए की वैल्यू 1 है तो फिर चेक करो क्या ए की वैल्यू 2 भी है, बी की वैल्यू 2 है, ठीक है। अगर ए की 1 बी की 2 तो चेक करो क्या सी की 3 है। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है तो ओके प्रिंट करना है। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही बना है, पहली कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर घुसेगा, दूसरी ट्रू होगी तो अंदर घुसेगा, और तीनों ट्रू होगी तो फिर ओके प्रिंट होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3। एंड लगा के मैंने इस कंडीशन को सिंगल लाइन में लिख दिया है, दोनों का काम एक ही हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसी तरीके और एग्जांपल्स देखते हैं, अच्छी तरह हमको समझ में आएगा। तो मल्टीपल कंडीशन से क्या मतलब है, कई कंडीशंस को आपस में ज्वाइन करना यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब एंड और नॉट, कंडीशंस को ज्वाइन करना। ए कंडीशन है ए एंड बी, देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा, उसके बाद और सी है, यानी कि पहले इसका आउटपुट निकलेगा, जो भी इसका आउटपुट आएगा आइदर ट्रू और फॉल्स, फिर जो इसका आउटपुट आएगा ट्रू और फॉल्स, इन दोनों के आउटपुट के ऊपर और ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो, पहले इसका आउटपुट निकलेगा इस ब्रैकेट का, फिर सी का आउटपुट निकलेगा, फिर जो दोनों जो आएंगे आउटपुट उनके ऊपर एंड ऑपरेशन चलेगा, और फिर फाइनल जो आउटपुट आएगा वो इस कंडीशन का आउटपुट होगा। इस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक ग्रुप है हमारा, क्लब है, उसकी मेम्बरशिप देनी है। उसकी कंडीशंस देख लो, 18 साल से छोटा है तो अलाउ नहीं है, 18 से 40 साल की उम्र में ब्रॉन्ज मेंबरशिप देंगे, 41 से 60 सिल्वर मेंबरशिप, 61 से 80 गोल्ड मेंबरशिप, और 81 एंड अबव अगर उसकी एज है बंदे की तो उसको प्लेटिनम मेंबरशिप देंगे। चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा। बेसिकली मुझे इसको देख के क्या लग रहा है, पहले तो इस टाइप के प्रोग्राम अच्छी तरह समझो, कहना क्या चाह रहा है, मुझे करना क्या है, ठीक है। समझ गया मैं कि मुझे एज को चेक करने के बाद मेंबरशिप डिसाइड करनी है। अब एज अलग अलग रेंज की एज है, यानी इफ़ तो लगेगा, इफ़ एलिफ तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो अब मैं कैसे स्टार्ट कहाँ से करूँ, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है, तो एंड 40 से कम है तो ये कर लो, फिर ये रेंज लगाऊंगा, फिर ये रेंज लगाऊंगा, ऐसे अलग अलग चेक करने हैं मुझे। तो या तो मैं 18 से 81 की तरफ बढ़ूं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ कंडीशन चेक करना शुरू करूं, या ऊपर से नीचे की तरफ आऊं, 81 से 18 की तरफ आऊं, पहले मैं 81 से ज़्यादा है या नहीं ये चेक करूं, फिर चेक करूं 61 से ज़्यादा है या नहीं है, तो ये मुझे अलग अलग चेक करना है। तो देखिए कौन सा बेटर रहता है, चलो देखते हैं। आप ऊपर से चलो वो ज़्यादा बेटर रहता है, टॉप से चलो। हम लोग कंडीशंस पहले अलग अलग देखते हैं, फिर इस पूरे प्रोग्राम को देखेंगे। अपन ने मेंबरशिप टाइप नाम का वेरिएबल बना दिया, उसमें वैल्यू डाल दी भी नन, मैंने एज इनपुट ले ली, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ क्या एज 80 से ऊपर है, तो मेंबरशिप टाइप को मैंने क्या कर दिया है, प्लेटिनम। 80 साल से ज़्यादा है तो उसको प्लेटिनम मेंबरशिप मिलेगी। इसमें 80 साल इंक्लूड नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर साइन ग्रेटर देन का लगाया है, यानी 81 एंड अबव वालों को प्लेटिनम मेंबरशिप मिलेगी, 80 वाले को नहीं मिलेगी। मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाया है, साइन का ध्यान देना, इनमें साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, यानी कि वो भाई 80 से ज़्यादा नहीं है, तो मैं एक एलिफ लगा देता हूँ। चलो एलिफ में क्या लगाया अपन ने कि उसकी, चलो 80 से ज़्यादा तो नहीं, क्या उसकी बंदे की एज 60 से ज़्यादा एंड 80 से कम या 80 की इक्वल। देखो इस बार मैंने यहाँ इक्वल लगा दिया, क्योंकि अगर मैं सिंपल यहाँ पर एज लेस देन 80 लिखता तो इसके अंदर
79 तक ही वो लेता, 80 वाले को नहीं लेता, ठीक है, तो इसलिए इक्वल टू लगाया था। अब ये अगर ये ट्रू है तो उसको गोल्ड कर दो, ये भी फॉल्स हो गई तो एक एली फॉल्ट लगा दिया। उसमें क्या देख रहा है, अगर 40 से ज़्यादा है एंड 60 या 60 से नीचे है तो उसको सिल्वर दे दो। ये एंड लगा रखा हम लोगों ने, दोनों ट्रू होना चाहिए, और लगाने से गड़बड़ हो जाएगा। और लगा जैसे कि एक एज है, मान लो मेरे पास 38, मेरे पास एज है 38, अब अगर मैं 38 एज है प्लस यहाँ पर इस एंड की जगह मैंने और लिखा हुआ है, चलो अब इस कंडीशन में देखते हैं, बोलो 38 के लिए क्या एज 60 से ज़्यादा है, नहीं है भाई, एज तो 38 है, यानी ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स। यहाँ देखो क्या एज 80 से कम है, हाँ है, बिल्कुल है, 80 से कम है। अब इन दोनों के बीच में और चलेगा तो ये ट्रू हो जाएगा, फाइनल कंडीशन ट्रू हो गई, जबकि 38 इस रेंज 60 टू 80 की रेंज में आता ही नहीं है, तो भी कंडीशन ट्रू हो गई है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कहाँ एंड लगाना है, कहाँ और लगाना है, सोच समझ के लगाना है। चलिए ये देख लिया हमने, 60 तक पहुँच चुके हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग 18 से 40 तक का देख रहे हैं। देखो दोनों में मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगाया है, लेस देन इक्वल टू भी लगाया है। सिर्फ ग्रेटर देन 18 लगाने से क्या होता, वो 19 से शुरू करता, 18 वाला तो बेचारा लटक जाता, कहीं का नहीं रहता, ठीक है, उसको ब्रॉन्ज दे दिया है। और एल्स में यानी कहीं नहीं आ रहा तो नॉट अलाउड, और हमने प्रिंट कर दिया है। अब इस प्रोग्राम को हम पूरा एक साथ देखते हैं, आपको थोड़ा और अच्छी तरह आएगा समझ में, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं। चलिए साहब, मेंबरशिप डन कर दी, एज ले ली, पहले मैंने चेक किया एज 80 से ज़्यादा है तो प्लेटिनम दे दो। अब मैं कुछ एग्जांपल भी ले लेता हूँ, उसी से हम लोग इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज़ मेरी एज है 48 एज है, चलिए देखता हूँ क्या एज 80 से ज़्यादा है, नहीं है, एलिफ में गया। क्या एज 60 से ज़्यादा और 80 से छोटा है, नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया। तो अब ये वाला एलिफ होगा एग्जीक्यूट, देखेगा क्या एज 40 से ज़्यादा है, हाँ है, ये ट्रू है। क्या एज 60 से कम है, ये ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो गया, यानी ये एलिफ ट्रू होगा, इस इफ में घुसेगा और मेरे को सिल्वर मेंबरशिप मिल जाएगी, बाकी का ये अगला एलिफ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ और एग्जांपल में चेक करता हूँ, मेरी एज है 15 ईयर्स है, मैं देखता हूँ क्या आपकी एज 80 से ज़्यादा है, नहीं है, फॉल्स। सेकंड वाला 60 से ज़्यादा 80 से कम है, फॉल्स। क्या 40 से ज़्यादा 60 से कम, यहाँ भी फॉल्स। क्या 18 से ज़्यादा 40 से कम, फॉल्स। तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मैं नॉट अलाउड हो जाऊँगा। तो इसको थोड़ा पॉज करिए, इस प्रोग्राम को कॉपी में नोट करिए, अलग अलग एज लीजिए, जैसे मैंने अभी 38 लिया, 15 लिया, ऐसे आप 5 अलग अलग इनपुट वैल्यूज़ लीजिए, डिफरेंट वैल्यूज़ लीजिए और चेक कीजिए क्या आपका आउटपुट सही आ रहा है, और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कौन से इफ एलिफ में घुस रहा है और क्यों घुस रहा है, क्या कारण है कि वो इस एलिफ में घुसा बाकी में नहीं घुसा, ऐसे समझो इस प्रोग्राम को, रटने से नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, एक और हम लोग एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझिएगा, कितने ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो हम लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं इफ एल्स को यूज करते हुए। चलिए, एडमिशन क्राइटेरिया है, हम लोग किसी बच्चे को एडमिशन देना चाहते हैं हमारे स्कूल में, ये कुछ है, उसके हम लोग साइंस के मार्क्स देखते हैं, मैथ्स के मार्क्स देखते हैं, उसके फादर की एनुअल इनकम देखते हैं, वो किस शहर का रहने वाला देखते हैं, क्या वो बीपीएल परिवार में आता है नहीं आता देखते हैं, प्लस ये भी देखते हैं वो पिछली क्लास में रैंक होल्डर था या नहीं था, ये भी देखते हैं। चलिए, क्या क्या कंडीशंस हैं, चार हमारी अलग अलग कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम लोग एडमिशन देते हैं। पहला, अगर उसके साइंस और मैथ्स दोनों में 90 से ज्यादा मार्क्स है तो उसको एडमिशन दे दो। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो रैंक होल्डर है यानी कि वो पिछली क्लास में रैंक लेके आया था तो उसको एडमिशन दे दो। अगर वो सिटी उदयपुर का रहने वाला है और वो बीपीएल भी है, ये दोनों हैं बातें हैं, तो भी उसको आप एडमिशन दे सकते हो। अभी अगर उसके साइंस में 90 से कम मार्क्स हैं तो देखो इस पहले के हिसाब से तो हम लोग दे नहीं सकते, लेकिन अगर 90 से कम है बट उसकी एनुअल इनकम फादर की 10,000 से कम है लेकिन और मैथ्स में 50 से ज़्यादा मार्क्स है तो भी आप उसको एडमिशन दे सकते हो। तो ये चार अलग अलग कंडीशन है, इन चारों में से कोई सी भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो आप उसको एडमिशन दे सकते हो। जैसे कि इस थर्ड वाली में देखता हूँ, अगर उसके साइंस में 30 नंबर है, मैथ्स में 20 नंबर है,
तो पहली कंडीशन तो हो गई फॉल्स, सेकंड वो रैंक होल्डर भी नहीं है वो भी फॉल्स हो गई, लेकिन तीसरी ट्रू है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा भले ही उसके यहाँ कम मार्क्स हैं। इसलिए ये चारों कंडीशन देखो। इस प्रोग्राम को भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले अच्छी तरह से समझो रिक्वायरमेंट को कि कहना क्या चाह रहा है, मुझे करना क्या है। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आप प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। तो इसको पॉज करो थोड़ा सा, चारों कंडीशन को अच्छी तरह से समझ लो, अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए तो देखिए इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन कौन सी है, रैंक ट्रू। मैं सबसे पहले तो रैंक चेक करता हूं, अगर रैंक ट्रू है तो उसको एडमिशन दे दो, आगे चेक करना ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन है। उसके बाद एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन है उसकी सिटी उदयपुर और बीपीएल ट्रू, ये भी स्ट्रेट है, चाहे फिर भले ही वो रैंक होल्डर हो या नहीं है, चाहे उसके मार्क्स कितने भी हो तो भी उसको एडमिशन दे दो। तो ये कंडीशन नंबर टू और कंडीशन नंबर थ्री, ये दोनों तो डायरेक्ट कंडीशन है। मैं सबसे पहले इन्हें चेक करूंगा, उसके बाद मैं मार्क्स में घुसूंगा, क्योंकि मार्क्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो दोनों मार्क्स चेक करो, अगर कम है तो इनकम चेक करो, तो यहाँ हम बाद में घुसेंगे। चलिए देखते हैं हमारा प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। ये छोटा सा स्टार्ट हो चुका है प्रोग्राम। सबसे पहले मैंने चेक किया इफ रैंक होल्डर, मैं ऐसे जो जिस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है बुलियन, उसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। इफ के अंदर मैं इसको ऐसे लिख सकता था इफ रैंक इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, और इसको इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इफ रैंक होल्डर, सिर्फ रैंक होल्डर, मैंने ट्रू या फॉल्स चेक नहीं कराया। इफ रैंक होल्डर लिखने का मतलब ही ये है कि क्या ये ट्रू है। आपको इक्वल टू ट्रू नहीं लिखो तो भी चलेगा, और अगर फॉल्स का लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, इफ नॉट, नॉट लगा सकता हूँ मैं, नॉट रैंक होल्डर तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैंने रैंक होल्डर इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा है तो भी ये, इसका मतलब भी यही है कि ये ट्रू को चेक कर रहा है। तो हमारा क्या प्रोग्राम हो गया, अगर वो रैंक होल्डर है तो एडमिशन स्टेटस मैंने ट्रू कर दिया, मैंने एक एडमिशन स्टेटस नाम का वेरिएबल ले रखा है। तो एक बार मैं आपको वेरिएबल्स के नाम आपको बता देता हूँ प्रोग्राम बनाने से पहले। मैंने एक साइंस मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया है, एक मैथ्स मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया है, एक इनकम नाम का, एक सिटी नाम का, बीपीएल, एक बुलियन वेरिएबल लिया है, इसकी वैल्यू है तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। रैंक होल्डर लिया है, इसकी वैल्यू भी ट्रू होगी फॉल्स होगी। और एडमिशन स्टेटस मैंने ले लिया है जिसमें मैं डालूंगा कि अभी मैंने उसको फॉल्स दे दिया, यानी कि वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, अगर होगा तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा, वरना इसकी वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स ही रहेगी। ये सारी वैल्यूज मैंने हार्ड कोड ली है, आप इनको यूजर से इनपुट भी करवा सकते हो। चलिए अब हम वापस हमारे प्रोग्राम पर आते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या चेक किया, अगर वो रैंक होल्डर है तो एडमिशन स्टेटस ट्रू कर दो, यानी वो तो एडमिशन के लिए एलिजिबल है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एलिफ एग्जीक्यूट होगा। एलिफ के अंदर क्या चेक कर रहा है, क्या उसकी सिटी उदयपुर है एंड क्या वो बीपीएल है, तो भी एडमिशन ट्रू कर दो। अब पहली वाली भी फॉल्स हो गई, ना तो वो रैंक होल्डर है, सेकंड वाली भी फॉल्स हो गई कि या तो उसकी सिटी उदयपुर नहीं है या वो बीपीएल ट्रू नहीं है, दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स है। तो अगला चेक होगा, अगले में क्या लिखा है, हमने सीधा मार्क्स चेक किया, क्या उसके साइंस में 90 या 90 ज़्यादा मार्क्स हैं, एंड है, देखो ध्यान रखना और नहीं लगाया है, और लगाने से तो दोनों में से कोई भी एक, एंड लगाने से दोनों कंपलसरी ट्रू होने चाहिए। तो साइंस में 90 ज़्यादा मार्क्स हो या मैथ्स में 90 ज़्यादा मार्क्स हो तो भी उसको एडमिशन आप ट्रू कर दीजिए। अब आगे चलते हैं, अगला है यानी कि उसके मार्क्स भी कम है, तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या उसके साइंस में 90 से कम मार्क्स हैं, अगर हैं तो देखो इफ इस एलिप में एक इफ शुरू हो रहा है, इफ क्या उसकी इनकम 10,000 से कम है एंड मैथ्स में 50 ज़्यादा मार्क्स हैं तो भी एडमिशन आप उसको दे दो, और फाइनल में एडमिशन आप प्रिंट कर दो। तो देखिए जब तक आप रिक्वायरमेंट नहीं समझेंगे तब तक आपको ये प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा। इसको वीडियो को यहीं थोड़ी देर के लिए पॉज करो, इसको कॉपी में लिखो, रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह समझो, उसके बाद इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करो, ये कहाँ एंड लगाया है, क्यों लगाया है, कौन सा इफ लगाया है, कौन सा एलिफ लगाया है। मैं इसका आउटपुट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दो एग्जाम्पल लेके। पहला एग्जाम्पल हमारा ये हो गया, साइंस में मार्क्स उसके बंदे के 45 हैं, मैथ्स में 51 है, ये वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। चलिए क्या वो रैंक होल्डर है, रैंक होल्डर फॉल्स है, यानी ये पहली तो मेरी फॉल्स हो जाएगी, तो वो एलिफ पे जाएगा, एलिफ पे देखेगा क्या उसकी सिटी उदयपुर है, उसकी सिटी उदयपुर है, यानी ये तो ट्रू हो गया। क्या वो बीपीएल ट्रू है, ये भी ट्रू हो गया, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो चुका है, तो ये वाला एलिफ एग्जीक्यूट हो गया, एडमिशन उसको
मिल गया, यानी इस केस में एडमिशन मिल चुका है। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके ये वाला एग्जांपल देखते हैं, क्या वो रैंक होल्डर है? फॉल्स, यानी वो नहीं है। तो पहला वाला तो हो गया फॉल्स, ठीक है, पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है। सेकंड कंडीशन में क्या है, हम क्या चेक करते हैं, उसकी सिटी उदयपुर हो या फिर बीपीएल ट्रू हो। बीपीएल तो ट्रू है लेकिन सिटी उसकी जोधपुर है, तो ये सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो गई है। अब वो थर्ड चेक करेगा, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, क्या उसके 90 से ज़्यादा मार्क्स मैथ्स में है और 90 ज़्यादा मार्क्स साइंस में है? नहीं, उसके तो 41-51 है, ये भी फॉल्स हो गई। तो अब अगला एलिफ चेक होगा, क्या उसके साइंस में 90 से कम मार्क्स हैं? बिल्कुल, साइंस में 90 से कम मार्क्स है, उसके 45 मार्क्स हैं। तो अंदर घुसेगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर घुसेगा, क्या उसकी इनकम 10,000 से कम है एनुअल इनकम? हाँ है, 9,000 ही है, यानी ये ट्रू है। एंड क्या उसके मैथ्स में मार्क्स 50 से ज़्यादा है? हाँ, उसके 50 से ज़्यादा मार्क्स है, उसके 51 मार्क्स हैं, यानी ये ट्रू हो चुका है। और हम उसको एडमिशन फ्लैग को ट्रू कर दें, यानी एडमिशन दे सकते हैं इन दोनों केसेस के अंदर। तो आप और एग्जांपल्स लो, ये जो मैंने इनपुट बनाए ऐसे इनपुट खुद से बनाओ, जनरेट करो, कम से कम 5 इनपुट जनरेट करो, मैंने 2 किए हैं, 5 आप और करो। डिफरेंट वैल्यूज लो, मार्क्स की वैल्यू लो, सिटी की वैल्यू चेंज करो, रैंक होल्डर चेंज करो, उसके बाद देखो इस प्रोग्राम को कौन से इफ पे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, क्या आउटपुट आना चाहिए, समझो इसको। कंप्यूटर पर टाइप करने से आपको ये प्रोग्राम नहीं समझ में आएगा। अब देखो इस प्रोग्राम का थोड़ा सा मैं और ऑप्टिमाइज़ करूँगा, थोड़ा सा हम खेल करेंगे। देखिए ये जो था, हमने क्या लिखा था यहाँ पर, रैंक होल्डर वाली कंडीशन हमें चेक की थी कि अगर रैंक होल्डर ट्रू है तो एडमिशन ट्रू कर दो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एलिफ में जाओ, देखो उसकी सिटी उदयपुर और ट्रू है तो भी कर दो। तो इन दोनों कंडीशन को मैं मिक्स कर रहा हूँ, एक ही में लिख रहा हूँ। देखो मैंने कैसे लिखा है एक में, ये देखिए, इफ रैंक होल्डर, एक कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन ये पूरी, इन दोनों को मैंने और के साथ जोड़ दिया है, और या तो ये हो या ये हो, दोनों केस में आप उसको एडमिशन दे सकते हैं। यानी कि या तो वो रैंक होल्डर हो या फिर ये पूरी कंडीशन ट्रू हो, पूरी मतलब वो उदयपुर का रहने वाला होना चाहिए और बीपीएल ट्रू होना चाहिए, तो आप उसका स्टेटस ट्रू कर सकते हो। तो देखिए इसको पॉज कीजिए, इसको लिखिए वापस को भी कि ये मैंने कैसे इस ऊपर वाली दो कंडीशन को मिक्स करके तीसरी एक कंडीशन एक ही लाइन में मैंने लिख दिया। तो ये आपको आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, आप जब खुद प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर ऐसा लिखा हुआ आएगा पूरा, बोलेगा इसका आउटपुट निकालो, तो आपको पता होना चाहिए एंड और नॉट कैसे ही हो, कौन सा पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, ब्रैकेट मैटर करता है। हमने एक ब्रैकेट ये लगाया, बीच में और लिखा और फिर एक ब्रैकेट ये लगाया है, और इसके अंदर भी फिर एक ब्रैकेट ये, फिर बीच में एंड और फिर एक ब्रैकेट ये, इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एक तो इस कंडीशन को मैंने ऑप्टिमाइज़ कर लिया है, एक और कंडीशन को मैं ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, लास्ट वाली देखिए, यहाँ पर क्या लिखा था पहले हमने, कि अगर बंदे के साइंस में 90 से कम मार्क्स हैं तो अंदर घुसो और चेक करो उसकी एनुअल इनकम और मैथ्स के मार्क्स, इनको भी मैंने मिक्स कर दिया। देखो पहली कंडीशन ये, बीच में एंड लगा के दूसरी कंडीशन ये, यानी तीनों ये सब ट्रू होना चाहिए भाई, उसके साइंस में 90 से कम मार्क्स होने चाहिए एंड उसके फादर की एनुअल इनकम भी 10,000 से कम होनी चाहिए एंड उसके मैथ्स में मार्क्स 50 से ज़्यादा होने चाहिए, तो भी आप उसको ट्रू दे सकते हो। तो इसको भी पॉज करो, इसको लिखो, समझो ये कैसे मिक्स किया है, कैसे गया है, ठीक है। चलिए, ये बहुत छोटा चैप्टर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैक्सिमम जो इफ एल्स के प्रोग्राम है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं, बेसिक कंडीशंस ज़्यादा यूज़ नहीं आती है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, इस वीडियो को बार बार देखो, आपका कंडीशन का पार्ट बहुत अच्छा और सॉलिड हो जाएगा, आपका लॉजिक डेवलप होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बाय।